क्यों कह रही है मैं चोरी देखने जा रही, तो आप फोटो एक बनवा लियो। श्रीमान भरे नरेश अंकल जी की दिल्ली वाली बुआ जी 101 मुद्रिकाओं से बेटी को भेंट कर रही है। बना लो को बनाए लो ना फोटो। प्रार्थना करेंगे माता जी का सुहाग मर रहे जीवन में कली वेदना ना आए, शत्र मां के भात बढ़ते रहे। व्यास भी प्रभु से प्रार्थना है। कैसे ड्राइवर रुपया एक ना मिलेगा, देख रही हो। बोली गोविंद भगवान की। उद्धव जी बताएंगे तब बन जाइयो। हाँ। महाराज नंद बाबा वृक्ष के नीचे उद्धव को बिठा करके बीती हुई सारी कहानी बताने लगे कि लाला मेरो लाला सो लाला ना है, ये गलियां हैं जिसमें मेरा कृष्ण खेला है, ये वृक्ष हैं जिनकी छाओ में ग्वालों को लेकर के बैठता था, ये कदम के वृक्ष हैं जिन पर अब कृष्ण चढ़कर के बंसी बजाया करता था। इतना कहते कहते नंद अश्रुपात करने लगे और यशोदा मैया पास में बैठी हैं। यशोदा कहने लगी, अरे लाला उद्धव मैं तो को कहा बताऊं, मेरे तो बुढ़ापे के वे दो ही लाठी थी, वो भी चले गए, अब जियो तो जियो किसके सहारे। उद्धव कहने लगे, मैया तू न्यो सोचे कि कन्हैया तो को भूल गया है, लेकिन मैया कन्हैया तो को भूलो नहीं है, कछु प्रपंचन के कार्ड कन्हैया तेरे पास अभी आ नहीं सके। उद्धव कहने लगे, समय के अभाव में देखते हुए उद्धव कहने लगे, अच्छा मैया अब चलता हूँ। तो यशोदा मैया बोली, लाला रुक जा, अभी मैं माखन रोटी लेके आ रही हूँ, मेरे कन्हैया को मेरी याद नहीं याद होगी, कोई बात नहीं, लेकिन लाला मेरे लाला माखन मिश्री की याद तो जरूरी करते हो। मैया दौड़ के गई, माखन मिश्री बांध के लाई, उद्धव को दई, जवाब दियो लाला ले जा, मेरे लाला से कह दिए बबूड़ी मैया और नंद को आए कि एक बार दर्शन जरूर दे दे। उद्धव कहने लगे, मैया तू परेशान न हो। उद्धव जी मैया को समझाने के बाद चले, लेकिन उद्धव का ज्ञान भगवान के प्रेम के आगे इस तरह से फीका पड़ा मानो उद्धव ने जाकर के सूर्य के सामने दीपक को दिखाया हो। उद्धव लौट करके कृष्ण के पास गए, कृष्ण को सारी कहानी बताई और कहने लगे, माधव मुझे क्षमा करना, आपके प्रेम के आगे उन गोपिकाओं के आगे मेरा ज्ञान बिल्कुल फीका पड़ गया है, उन गोपिकाओं का आपकी विनहाल बेहाल है। भगवान कन्हैया जब ये सुनते हैं तो भगवान और ज्यादा परेशान होते हैं। बलराम जी ने कहा है कि कृष्ण क्या बात है, तू बहुत उदास रहता है। कृष्ण हाथ जोड़कर बोले, भैया जब तक प्रेम की दीवानी गोपिकाएं मेरे विरह में रोधन करना बंद नहीं करेंगी, तब तक मेरे अंदर का भी विरह खत्म नहीं होगा। बलराम जी कहते हैं कि कृष्ण तू परेशान न हो, मैं जाता हूँ। बलराम जी गए हैं बालाओं के पास, तो बालाओं ने बलराम को भी फटकार दिया, जवाब दिया अब तुम चले आए, पहले उन्होंने उद्धव को भेज दिया। अरे क्या मेरे कृष्ण ने जो मेरे साथ लीलाएं की हैं, क्या आप कर सकते हैं? बलराम गुस्से में आकर बोले, हाँ बिल्कुल करूंगा। सखियां बोली, क्या आप महाराज कर सकते हैं? बोले बिल्कुल करूंगा। बलराम ने सखियों के साथ महाराज किया है, फिर भी सखियों के अंदर से भगवान कृष्ण का विरह कम नहीं हुआ, तो अंत में बलराम लौट करके कृष्ण के पास गए, कृष्ण को सारा वृतांत कहा। जब वृतांत कहा तो अंत में कृष्ण मिलने के लिए वालाओं के पास आते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बड़े हर्षोल्लास के साथ में ब्रज में रहने लगे, मथुरा में रहने लगे। इधर कंस के ससुर जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर, लेकिन कृष्ण बलराम का कुछ न बिगाड़ पाया। 18वीं बार इसने 11,000 संतों को निमंत्रण देकर बुलाया और ये कहा है कि मुझे आशीर्वाद दो, मैं कृष्ण बलराम पर विजय प्राप्त कर लूं। अगर विजय प्राप्त करके लौटा तो तुम 11,000 संतों की
अपने राज्य में तुम्हें रखकर तुम्हारी सेवा करवाएंगे, पूजा करवाएंगे। अगर जीत गया तो और हार गया तो तुम 11,000 संतों की जान ले लूंगा। अब 11,000 संत बेचारे बड़े परेशान, उन्हें तो मालूम था बड़ा ब्रह्म से विजय कैसे पालेगा। उन्होंने भगवान वासुनंदन वासुदेव नंदन का ध्यान किया कृष्ण का, तो कृष्ण ने समझ गए। कृष्ण ने बलराम से कहा कि भैया, बोले हाँ नाना जी, 18वीं बार आक्रमण करने आ रहे हैं। बलराम बोले तो का करूं, आ जान दे। कन्हैया बोले भैया बात जय। बोले कहा उन्होंने 11,000 संतों को निमंत्रण दे के बुलाया है, और ये कहा है कि कृष्ण बलराम पर विजय प्राप्त अगर कर ली तो 11,000 संतों को देवता बना करके रखेगा, उनकी पूजा करेगा, सेवा कराएगा, और अगर हार गया तो 11,000 संतों की जान ले लेगा। बलराम कह लगे कन्हैया कहनो का चाह रहो। कन्हैया बोले भैया कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे ही नाना जी 18वीं बार आक्रमण करवे को आए सेना लेके, तैसे ही हम और आप रड़ छोड़कर भाग चलेंगे। बलराम कह लगे कन्हैया बावरो है गयो का, महाराज बलराम कहने लगे कन्हैया बावरो ना हुई, अगर रड़ छोड़कर भागा तो लोग तेरा नाम रख देंगे रड़ छोड़ भगवान। कन्हैया हंस के बोले भैया चीर चोर माखन चोर ग्वाला कन्हैया कृष्णा रसिक विहारी देवकी नंदन वासुनंदन वासुदेव नंदन यशोदा नंदन है देवकी नंदन रसिक बिहारी, इतने सारे नाम रख गए, एक नाम और सही कहा जा रहा है। अरे नाम ही तो रख जाएगो, न्यो तो देखो हमारे भागने से 11,000 संतों की जान बच रही है। बलराम बोले अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और जैसे ही जरा सिद्ध 18वीं बार 23 अक्षोड़ी सेना लेकर आया प्यारे, तैसे ही भगवान कन्हैया रड़ छोड़ के पीठ देकर भाग खड़े। जरासंध ने कालेवन को आज्ञा दी, कालेवन ने कृष्ण बलराम का पीछा किया। कृष्ण बलराम दौड़ते हुए मुचकुंद की गुफा की ओर दौड़े, मुचकुंद सो रहे हैं। भगवान ने अपना पीतामर उतारा और मुचकुंद को उड़ा दिया और भगवान अंदर गुफा में चले गए। कालेवन सोचने लगा कि कृष्ण ही पीताम्बर ओढ़ के लेट गया है। कालेवन ने एक लात मुचकुंद में मारी और जैसे ही लात मारी मुचकुंद की दृष्टि खुलते ही कालेवन भस्म हो गया। इधर कृष्ण बलराम दौड़ते हुए हिमालय पर चढ़े, हिमालय की चोटी पर जब चढ़ने लगे, जरासंध को मालूम पड़ा कि कृष्ण बलराम हिमालय पर छुपे हैं, तो जरासंध ने हिमालय के चारों ओर आग लगवा दी, हिमालय के चारों तरफ आग लगवा दी। आग की लुहू लपट हिमालय की चोटी तक जाने लगी। कन्हैया कहने लगे भैया अब क्या करोगे, नाना जी पीछे वही नहीं छोड़ रहे, अब क्या करोगे। बलराम कहने लगे कन्हैया तू ही कछु विचार, मैं क्या बताऊं। कन्हैया कहने लगे ठीक है भैया, घबराई हो ना, भगवान ने हिमालय की चोटी पर चढ़कर वहीं से समुद्र से आग्रह किया, हे समुद्र महाराज अपने बीचों बीच हमें स्थान देने की कृपा करें जिससे मैं छोटी मोटी नगरी बस लूं। समुद्र ने अपने बीचों बीच भगवान को स्थान दिया। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया रात ही रात में समुद्र के बीचों बीच एक नगरी विश्वकर्मा के द्वारा बसवाली, महल बनवा लिए, नगरी बसवाली, और रात ही रात में योग माया के द्वारा मथुरा वासियों को उठाकर द्वारिका में लिटा लिया। किसी को नहीं मालूम पड़ पाया कि मैं कहां था और कहां आ गया। इस तरह से भगवान ने द्वारिका बसाई। द्वारिका में सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ रहने लगे। द्वारका में आकर भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम का विवाह होता है। अरुणत नगरी के राजा रेवतक है उनकी बिटिया रेवती के साथ।